नमस्कार, मैं हुमायूं अजीज और आप देख रहे हैं मेरे साथ पीपीटी न्यूज। अपराधियों पर नकेल कसने के लिए पूर्व दिल्ली संसदीय क्षेत्र से सांसद महेश गिरी ने अपने सांसद निधि से दिल्ली यूपी बॉर्डर पर सीसीटीवी कैमरा लगाने के कार्य का विवेक विहार थाने से शुभारंभ किया। वहीं इस दौरान भाजपा की तरफ से केजरीवाल सरकार पर कटाक्ष करने वाला पोस्टर भी लगाया था, जिसके माध्यम से केजरीवाल पर आरोप लगाया गया कि वो केंद्र सरकार के कामों को अपना दिखावे में जुटे हुए हैं। मैंने कहा कि अगर ऐसा है तो फिर सामाजिक सुरक्षा का उत्तरदायित्व सांसद का भी है और मैं अपने सांसद के निधि से इसके लिए फंड देना चाहूंगा। और पहला फंड 1,57,00,000 का पुलिस विभाग को दिया और उस 1,57,00,000 के फंड से आज यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लग रहे हैं, उसका यह उद्घाटन है। और जैसे ही पता चला कि इन कैमरों की मदद से बहुत ज्यादा क्राइम रेट घटेगा तो दूसरे 2.5 करोड़ रुपए भी मैंने तुरंत सैंक्शन किए। तो ऐसे कुल 4 करोड़ की लागत से ये पूर्वी दिल्ली के अंदर कैमरे लगेंगे, जहां पर इन्होंने सेंसिटिव एरियाज को लोकेट किया है और सबसे ज्यादा बॉर्डर एरिया इसको कवर कर रहा है, क्योंकि क्राइम करने वाला बॉर्डर क्रॉस करके भाग जाता है तो ये बॉर्डर एरिया पे बहुत ज्यादा लगने वाले हैं। ये कैमरा जो है किसके अंडर में रहेगा? ये इसका कंट्रोल जो है पुलिस स्टेशन के अंदर ही रहेगा। पुलिस स्टेशन में कंट्रोल रहने की वजह से इसका राख रखाव और जिम्मेदारी भी पुलिस की रहेगी।